मांग पूरी हो सकती है। अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही है? इस सच्चाई को समझिए। बीजेपी भाजपा आपके प्रदेश में 5 साल से राज कर रही है। इनके नेता आते हैं कहते हैं फिर से वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार चलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइए। तो कभी आपने सोचा है कि अभी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, पिछले 5 सालों में कहां थी? पिछले 5 सालों में क्या नहीं थी डबल इंजन की सरकार? थी ना। क्या हुआ, तेल भरना भूल गए शायद? इंजन में तेल नहीं गया, क्योंकि देश का सारा तेल बड़े दे रहा है। पहचानिए इस सच्चाई को। आज ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दी हैं, और यहाँ 63,000 पद खाली पड़े हैं। यहाँ के नौजवान परेशान हो गए हैं, शिक्षित हैं, मेहनती हैं और नौकरियां चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं। उनको क्या मिलता है? उनको ड्रग्स मिल रहे हैं, नशा फैल रहा है, क्योंकि उन बच्चों में वो इच्छा थी कि वो कुछ करके दिखाएं, रोजगार ने अपने परिवारों की देखभाल करें, पैसे कमाएं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए भटक रहे हैं और नशा फैलाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चाई है यहाँ की कि 30 लाख आबादी है यहाँ युवाओं की लगभग, और 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख बेरोजगार हैं, आप हजारों पद खाली रख रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये है सच्चाई। अग्निवीर को देखिए, कैसा स्कीम है आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना को ठेके पे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी, 4 साल बाद 75% लड़के वापस आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? किसी के ऑफिस में काम करेंगे? कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे? तो यहाँ के पहले कम से कम 4,000 लोग सेना में भर्ती होते थे, अब जो नया नियम आया है उसके जरिए मात्र 400-500 सेना में जा पाएंगे, और उनमें से भी 75% वापस आ जाएंगे 4 साल बाद। आप सोचिए कि इन लोगों की नियत क्या है। बहुत स्पष्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है आपको भूल जाते हैं। जैसे ये सब बातें खत्म, प्रचार खत्म, जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों में पैसे ला रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब आ रही है, अगर ये सच्चाई है तो आप सोचिए कि कैसी राजनीति चल रही है आपके प्रदेश में आज, मीडियाबाजी की, झूठों की, पैसों की। एक बार आप सबक सिखा दीजिए कि पैसों से चुनाव नहीं जितवाएंगे आप, कि आप अपने भविष्य के आधार पर अपना वोट देंगे। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। अग्निहोत्री जी ने कहा, इंदिरा जी ने ये प्रदेश बनाया,
लेकिन इंदिरा जी हमेशा कहती थी हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। भरोसा था आप में और आप उन पर भरोसा करते थे, इसीलिए परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता आपको मिले, आप ही की जमीन से उभरे। अग्निहोत्री जी को देखिए, दिन रात आपके लिए एक करते हैं, सुबह शाम आपके लिए काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में होते हुए आपकी आवाज दिन रात उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।